नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भिवानी हलचल। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। जिले में डेंगू व मलेरिया के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इस बात की पुष्टि चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल की डॉक्टर रितु फोगाट ने की। वह कहा कि अस्पताल में डेंगू व मलेरिया के केस आने लगे हैं तथा अस्पताल प्रशासन ने इसके लिए सभी तैयारियां कर ली है। शनिवार को स्थानीय घंटाघर स्थित चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल की डॉक्टर रितु फोगाट ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि डेंगू व मलेरिया से बचने के लिए हमें अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो बारिश के मौसम में मच्छरदानी का उपयोग करें तथा कहीं भी पानी का जमाव ना होने दिया जाए। साथ ही उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में भी बताया। अभी सबसे पहले तो सावधानियों के बारे में, जैसे अवेयरनेस कैंप में भी बताया जाता है कि ये बारिश के सीजन में, बारिश के मौसम में पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि कूलर में और या फिर क्या होता है कि पौधों में हो जाता है या फिर टंकी में होता है, खुली टंकियाँ होती है उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, या फिर जो चिड़िया को पानी पिलाते हैं मतलब गमलों में, कहीं भी पानी इकट्ठा होता है तो उसमें क्या होता है कि उसको या तो इकट्ठा ना करो, या करो तो हर 2 या 3 दिन में उसको निकाल के दूसरा फ्रेश पानी भरो, या टंकियों को ढककर रखो, कवर करके रखो। तो उससे क्या होगा कि उनकी ब्रीडिंग, वो स्टार्टिंग में हम उनको रोक सकते हैं डेवलप होने से, पर एक बार अगर हो जाता है तो हमें क्या होता है कि फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए कि मस्कीटो काटे ही ना। मस्कीटो रिपेलेंट होते हैं, क्रीम्स होती हैं, वो लगा सकते हैं। घरों में क्या कर सकते हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए मच्छरदानी होती है, नेट यूज़ कर सकते हैं। ये लक्षण अगर मरीज को होते हैं इस सीज़न में तो वो 2 या 3 दिन के अंदर अंदर डॉक्टर से संपर्क करें ताकि हम उनकी इन्वेस्टिगेशन करवा के टाइमली उनको डिटेक्ट कर सकें। और फॉलोअप के लिए जो दवाई हम देते हैं, शुरुआत में तो घर पर ही ट्रीटमेंट चलाया जाता है, फ्लूइड ज़्यादा दिए जाते हैं डेंगू के लिए, क्योंकि वायरल इलनेस है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। बट अगर वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए यही है कि टाइमली फॉलोअप किया जाए। जल्दी अगर कंसल्ट करेंगे तो उतना यही होता है कि 3 से 5 दिन तक ये होता है कि फीवर चलता है, उसके बाद प्लेटलेट डाउन होने शुरू होते हैं, और वो अगर डाउन आते हैं उस टाइम फॉलोअप ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ्लूइड इनटेक तो बढ़ाना ही है उनको, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट लेकर, और साथ में CBC करवा के, प्लेटलेट चेक करवा के, जो सारी फैसिलिटीज सिविल हॉस्पिटल में अवेलेबल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार प्रोवाइड कर रही है, तो वो उसका यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए टाइमली आकर हमसे लिखवा कर, और यहाँ पे डेंगू अलग से वार्ड भी बना रखे हैं जिसमें उनको नेट प्रोवाइड किया जाता है, मच्छरदानी, ताकि ना इससे क्या होता है ट्रांसमिशन, एक पेशेंट को हो भी जाए तो वो दूसरे को ना फैले, और एक बार उनको काट लिया मच्छर ने, अगर दोबारा उसको दूसरा मच्छर काटते हैं तो उसकी सीवीआरटी बढ़ जाती है। तो नेट की फैसिलिटी भी होनी चाहिए जहाँ पे वो एडमिट होते हैं, तो वो फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि ये बीमारी, घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं है, इसका इलाज अवेलेबल है और सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में दवाइयाँ और फ्री में ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो अभी आपको बस यही ध्यान रखना है कि अगर इनके किसी भी पेशेंट को डेंगू पाया जाता है तो वो टाइमली हॉस्पिटल में आके कंसल्ट करें और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खड़क कला में प्राचार्य डॉक्टर रीमा परमार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सेवा योजना टीम द्वारा पूरे सप्ताह से पर्यावरण संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में स्वयं सेविकाओं ने पौधारोपण कर उनके संरक्षण की जिम्मेवारी भी ली। आपको बता दें कि पूरी NSS टीम द्वारा पर्यावरण संरक्षण सप्ताह में विभिन्न प्रजातियों के फलदार, छायादार व अनेक औषधि वाले पौधे अपने आसपास के क्षेत्र, पार्क, अस्पताल, विद्यालय परिसर व गांव के सार्वजनिक स्थलों पर लगाए और उनके देखभाल की जिम्मेवारी का संकल्प भी लिया। वहीं NSS प्रभारी कुमारी सुषमलता ने कहा कि हमारा गीत ही इस ध्येय को लेकर चलता है कि स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, अतः हमें अपने बेहतरीन जीवन के लिए तथा हरियाणा NSS सेल के 2 लाख पौधे लगाने के संकल्प को पूरा करने के लिए हमें भी अपने द्वारा लगाए गए पौधों को बचाने का संकल्प लेना चाहिए। स्थानीय डाबर कॉलोनी निवासी नीतू वर्मा ने लगातार दूसरी बार नेट क्वालिफाई कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है।
इसी कड़ी में शनिवार को नीतू की इस उपलब्धि पर नव दुर्गा सेवा सहयोग संस्था द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट कर नीतू को सम्मानित किया गया। इस मौके पर वार्ड 25 के पार्षद विनोद प्रजापति व नव दुर्गा सेवा सहयोग संस्था के संस्थापक सुरेश सैनी ने कहा कि भिवानी बेटियों ने न केवल खेल बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी विशिष्ट उपलब्धि हासिल कर बार बार अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उन्होंने कहा कि यदि बेटियां ठान ले तो अपनी मेहनत एवं लगन के दम पर बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को आसानी से पार कर सफलता हासिल कर सकती है, जिसका ताजा उदाहरण बेटी नीतू वर्मा है। इसलिए बेटियों को संकीर्ण विचारधारा को कुचलते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। इस मौके पर नीतू वर्मा ने अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता को देते हुए कहा कि इनके उत्साहवर्धन एवं सहयोग की बदौलत वह यह उपलब्धि हासिल कर पाई। मेरा नाम नीतू वर्मा है, डॉटर ऑफ शिव कुमार, मैं डाबर कॉलोनी की रहने वाली हूँ। मैंने दूसरी बार नेट क्वालिफाई किया है। इसके लिए मैं घर पे ही पढ़ाई करती थी 4 से 6 घंटे। मैंने कहीं से भी कोचिंग नहीं ली है, सब कुछ अपने बुक से ही किया है और यूट्यूब से पढ़ाई की है। मैं इसका श्रेय अपने माता पिता और पूरी फैमिली को देना चाहती हूँ। और मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आप अपनी मतलब अगर आपका क्वालिफाई नहीं होता तो आप डीमोटिवेट ना होए, उससे आप कुछ ना कुछ सीख ले। थैंक यू। नीतू वर्मा, डॉटर ऑफ श्री शिव कुमार प्रजापति, ये इस लड़की ने नेट क्वालिफाई किया है, दूसरी बारी नेट क्वालिफाई किया है, जो कि कड़ी मेहनत की। इस लड़की ने 4 से 6 घंटे पढ़ाई की और अपने आप ही मेहनत करके ये कामयाबी हासिल की है। तो मेरी और भी समाज के और सभी से, युवाओं से अपील है कि महंगी महंगी कोचिंग सेंटरों में न जाके अपने आप अपनी मेहनत से अपना लक्ष्य प्राप्ति करें। आज हमने नव दुर्गा सेवा समिति की तरफ से इसका अभिनंदन किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को पंख देने के उद्देश्य से जिले के गांव घुसकाने स्थित राजकीय उच्च विद्यालय में शारीरिक शिक्षा विनोद पिंकू के नेतृत्व में एक अनूठे अभियान की शुरुआत की गई। इसके तहत शनिवार को विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर जुलाई माह में जन्मी 4 बेटियों का सामूहिक जन्मदिन मनाया गया, पौधारोपण भी किया गया। कार्यक्रम में 4 बेटियों के नाम से स्कूल में पौधारोपण कर इनके संरक्षण की जिम्मेवारी भी इन्हीं बेटियों को सौंपी गई। इस मौके पर छात्राओं ने केक काटा व अलग अलग गानों पर नृत्य किया तथा कई कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के दौरान मौलिक मुख्याध्यापिका लक्ष्मी देवी ने सभी विद्यार्थियों को लेखन सामग्री वितरित की। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्याध्यापक कृष्ण कुमार व विशिष्ट अतिथि स्कूल प्रबंधक कमेटी के प्रधान हंस राज ने शिरकत की। इस अवसर पर लक्ष्मी देवी द्वारा विद्यार्थियों को लेखन सामग्री वितरित करने जैसे कार्य की सराहना करते हुए मुख्याध्यापक कृष्ण कुमार ने कहा कि विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ा तोहफा स्टेशनरी ही होता है, क्योंकि स्टेशनरी के सहारे ही विद्यार्थी अपने स्वर्णिम भविष्य की गाथा को लिख सकता है। हमें खुशी होती है कि जब हम पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते
जाते हैं, हमारा भी कुछ ज्ञान बढ़ता है। लेकिन जो शिक्षक होता है उसकी यही इच्छा होती है कि हमारा बच्चा आगे जाकर हमारे नाम से ही हो, कि यह सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ सरकारी स्कूल का विद्यार्थी। धन्यवाद। मैं छठी कक्षा की छात्रा हूँ। हमारे स्कूल का नाम राजकीय उचित विद्यालय बुस्कानी है और आज मेरा जन्मदिन है। हमारे स्कूल में केक काटा गया और पौधे लगाए जाते हैं। कैसा लगा आपको आज अपना? हमें अच्छा, बहुत अच्छा लगा। सांगवान ऐसे अध्यापक राजकीय उच्च विद्यालय गुस्कानी। हमारे विद्यालय में श्री विनोद कुमार जी पिंकू पीटीआई ने आने के बाद एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत हर महीने बच्चों का जन्मदिन, जिस महीने में जितने बच्चों लड़कियों का जन्मदिन आता है उसको मनाया जाता है, उसी दिन सभी बच्चों से पौधारोपण करवाया जाता है विद्यालय, और बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता का के बारे में विस्तार से बताया जाता है, और इससे बच्चों में बहुत ज़्यादा जागरूकता और पेड़ों के प्रति उनकी जो सजगता है वो बढ़ रही है, और बच्चे अपने जन्मदिन की विशिष्टता से उसको मनाते भी हैं और खुश भी होते हैं। शनिवार को खेल नगरी राजपूत धर्मशाला में जिला स्तरीय कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 180 छात्र छात्राओं ने प्रतियोगिता में भाग लिया। इसमें विभिन्न एज ग्रुप के छात्र छात्राओं ने अपना दमखम दिखाया। वहीं बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप में भाग लेने का अवसर भी प्राप्त होगा। बता दें कि डोसंग भिवानी के तत्वाधान में 22वीं जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन राजपूत धर्मशाला में किया गया। कराटे प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का अच्छा खासा उत्साह देखा गया। संघ के नए नियमों के तहत भिवानी के साथ लगते जिलों से भी खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में संचालन WKF के नए रूल के तहत हुआ। प्रथम 4 स्थानों पर रहने वाले खिलाड़ियों को क्रमश स्वर्ण, रजत व 2 कांस्य पदक तथा प्रमाण पत्र सभी खिलाड़ियों को दिए जाएंगे। प्रतियोगिता भले ही जिला स्तरीय है, लेकिन इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पदक खिलाड़ियों को दिए जाएंगे। वहीं इस अवसर पर आयोजकों व कोच ने बताया कि इस प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी 4 से 5 अगस्त को कुरुक्षेत्र में होने वाली राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में भाग लेंगे। संघ के महासचिव डॉक्टर प्रवीण गहलोत ने बताया कि प्रतियोगिता में 180 बच्चों ने भाग लिया है। उन्होंने कहा कि कराटे केवल खेल का ही नहीं बल्कि आत्मरक्षा के लिए भी सहायक है। देखिए आज जो कराटे प्रतियोगिता है, प्रत्येक वर्ष कराटे की प्रतियोगिता इस कराटे संघ के द्वारा हमारे भिवानी में कराती आती रही है। जिला स्तरीय प्रतियोगिता के अंदर हमारे बच्चे और बच्चियाँ दोनों ही अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, और निश्चित रूप से मानता हूँ कि इस प्रकार जो प्रतिभाएं हैं इस प्रकार के मंचों से निखर के सामने आएंगी तो हमारे देश का, प्रदेश का, हमारे जिले का और इनके अभिभावकों का निश्चित रूप से नाम विश्व पटल पर रोशन भी करेगी। और खेल तो मनुष्य के केवल मेडल के लिए नहीं, अगर खिलाड़ी है अच्छे तरीके से मेहनत करता है तो उसको व्यक्तिगत जीवन के अंदर कई लाभ मिलते हैं, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक लाभ बड़े मिलते हैं। और मैं मानता हूँ कि खेल भावना जो होती है वो आपस में प्रेम और सद्भाव की भावना को भी बड़ा विकसित करती है, और मैं पूरी हमारी आयोजन समिति का बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। सभी बच्चों के लिए मंगल कामनाएं करता हूँ कि आगे चल करके वो अपने व्यक्तित्व का निखार तो करेंगे ही, साथ साथ में हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। जिला कराटे एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ। ये 22वीं प्रतियोगिता आज आयोजित की जा रही है। इनमें जो भी खिलाड़ी जीतेगा वो 4 अगस्त से कुरुक्षेत्र में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेगा। कराटे एक सेल्फ डिफेंस का बहुत अच्छा गेम है, विशेषकर लड़कियों को इसमें ज़रूर भाग लेना चाहिए। लड़कियां इसमें भाग लेकर अपनी सुरक्षा, आज का जो जैसे माहौल चल रहा है उसमें भी वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है। इसलिए हमारा एक अनुरोध है कि लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा इस कराटे में भाग ले और इसे सीखे और अपनी सुरक्षा भी करे। और आजकल तो नौकरी में भी कराटे का है प्रावधान, तो नौकरियों के साथ भी शरीर भी स्वस्थ रहे, नौकरी भी मिले और अपनी भी सुरक्षा मिले, तो एक कराटे में सब कुछ
मेरा नाम प्रवीण गहलोत है। ये हमारी जिला कराटे डो संघ भिवानी की 22वीं जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता में भिवानी के और आसपास के गांव के लगभग 180 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में जो भी खिलाड़ी जीतेंगे और चुने जाएंगे वो 4 से 6 अगस्त को कुरुक्षेत्र में होने वाली राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में भाग लेंगे। खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।